मायसेल्फ अनिल सर, अनिल उपाध्याय, एंड टुडे आई विल एक्सप्लेन द रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर। जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं कि रेनबो सीरीज क्लास 8 पर्ल, एंड टुडे आई विल राइट यू क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। एज यू नो डैट, जैसे कि आप लोग पहले भी जानते हैं कि जो चैप्टर नंबर बुद्धा एंड जीसस था, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, उसमें जो विवेकानंद के द्वारा लिखा हुआ ये स्टोरी है, जो कि कैसे गौतम बुद्ध के समय और जीसस के समय ज्ञान अपने चरम सीमा पे था, और कैसे उस ज्ञान को आत्मसात करने की कोशिश हर कोई करता था। और इसमें हमने आप लोगों को जो डे फर्स्ट था उसमें हमने एक्सप्लेन किया था कि इस चैप्टर में और क्या क्या है, और इसकी कहानी को भी एक्सप्लेन किया था। उसके बाद हमने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर, इसका जो क्वेश्चन आंसर था उसको हमने लिखवाया था। तो देन हियर सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 8, ये हम डे 2 का जो हम लिखवाए थे क्वेश्चन आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई इज़ द बॉन्ड बिटवीन द टीचर एंड द टॉट पर्टिकुलर इन इंडिया। ये कैसे था, बंद था एक तरह से, विवेकानंद कैसे अध्यापक को क्या प्लेस देना चाहते थे और क्यों, उनके नज़र में अध्यापक की क्या गरिमा थी। और इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3, जो व्हाई डू मॉन्क गो फ्रॉम डोर टू डोर, ये एक 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 दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक भिक्षुक क्यों आते जाते थे। और ये क्वेश्चन नंबर 4 था, व्हाट इज़ द रीज़न डैट द इवन स्ट्रीट वॉकर, जैसे कि गीता के उपदेश या कोई भी ऐसे शब्द जिसे कुछ ज्ञान बढ़ता था, क्यों लोग बांटते थे। और क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि बुद्धा को और अधिक ये चीज़ों से क्यों ये ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का ये आंसर है। एंड आज जो है सब्जेक्ट इंग्लिश डे 3 है, क्लास 8 क्वेश्चन आंसर, ये जो रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर है इसी के बारे में आपको हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं। जैसा कि हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 5 तक, लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये कहना चाहते हैं कि व्हाई डज विवेकानंद से डैट द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज रॉन्ग, कि वर्तमान के जो समय, जो कि विवेकानंद का वर्तमान समय, आज का समय नहीं, लेकिन विवेकानंद के वर्तमान के समय में ये क्यों विवेकानंद ये कहना चाहते थे कि उनका एजुकेशन सिस्टम गड़बड़ है। इट इज़ एंड बिकॉज, यह ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले तो हमें जो ज्ञान चाहिए, पहले तो हमको ये देखना है कि उस ज्ञान के बारे में हम क्या सोचते हैं, कितना मेरा माइंड उसके बारे में कंट्रोल कर सकता है। पहले तो अपने माइंड को उसके लायक, कमाने लायक मास्टर बनाना चाहिए, जिससे कि हमें जो भी ज्ञान मिले उसको हम लोग गैदर्ड कर सकें। एंड क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डज द ऑथर से डैट व्हेन बुद्धा लिव्ड पीपल इन इंडिया मस्ट हैव हैड वंडरफुल एजुकेशन, कि क्यों यहाँ पर लेखक का कहना है कि जब गौतम बुद्ध का जब समय था, यहाँ जीते थे, तो भारत एक वंडरफुल एजुकेशन सिस्टम था। यहाँ इसलिए था क्योंकि लोग फ्री माइंडेड थे, एंड इंडिया मस्ट हैव द वंडरफुल एजुकेशन बिकॉज एक्सट्रीमली फ्री माइंडेड दे हैव मस्ट हैव बीन ग्रेट मैसेज फॉलोड हिम। एक तो उनका जो मैसेज था वो बहुत महान था, पीपल वी आर एबल टू अप्रिशिएट एंड इमेरेज हिज टीचिंग, और लोग भी उनके ज्ञान को आत्मसात करते थे और उनसे उस ज्ञान को अपने अंदर समाहित करते थे। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर जो 7 था ये ख़त्म हो गया, और लास्ट में आपको यहाँ पे बॉटम में दिखाई दे रहा है दी एंड। इट मींस कि ये चैप्टर नंबर 8 जो है, 8 जो क्लास 8 है, उसका क्वेश्चन आंसर आज पूरी तरह से हो गया। जैसा कि आप लोगों को ये पता है कि अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, और ये क्वेश्चन आंसर कम से कम आप लोग लिख लीजिए, जिससे कि आप लोग के सिलेबस को आगे बढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। और
यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें जो कुल मिला के आपको 7 क्वेश्चन आंसर है जी तक, ए बी सी डी ई एफ जी, जी तक जो है उसी का क्वेश्चन आंसर यहाँ पर था। जैसे कि फिर से हम एक बार हम लोग को रिन्यू कर दें, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग का चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, एंड हियर क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आंसर भी है, क्वेश्चन नंबर 5 एंड इट्स आंसर। देन टुडे विल बी राइट क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। सो प्लीज राइट दिस इन योर फेयर कॉपी। सो थैंक यू वेरी मच।